डन मैम. प्रैक्टिकल नंबर वन इज प्रैक्टिस ऑन, प्रैक्टिस ऑन HTML कॉमा CSS. comma PHP and MySQL. ठीक है, ये हमने PHP जब हमने पढ़ी थी तो हमने PHP के काफी प्रैक्टिकल्स किए थे. अब आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिकल आपको आता है बट करना क्या है कि आपने एक पेज बनाना है, वेब पेज नॉर्मल PHP का. ठीक है, उसमें आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी भी करनी है. पेज आपने बनाना है सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाला, ओनली वन. ठीक है, उसमें करना क्या है, आपको टूल्स भी लगाने पड़ेंगे, CSS स्टाइलिंग ऐड करनी पड़ेगी, स्टाइल्स ऐड करने पड़ेंगे. CSS आप लोगों ने की हुई है, HTML आप लोगों ने की हुई है, PHP आपको करवाई है, MySQL के साथ कनेक्टिविटी भी करवाई है मैंने. ये सारी चीजों को यूज करके एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है. उसके फील्ड्स कौन कौन से होंगे वो नोट कर लो. नंबर वन फील्ड विल बी टाइटल होगा उसका, कोई ना कोई, जिस भी चीज का आप रजिस्ट्रेशन बना रहे हो, चाहे आप ऐसे लिख देना रजिस्ट्रेशन पेज, कुछ ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है. ठीक है, अगर आपने किसी चीज की रजिस्ट्रेशन करवानी है, लाइक आपने टूर्नामेंट की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन लिख देना, क्विज रजिस्ट्रेशन लिख लेना, तो आपकी मर्जी है. मतलब आपने कैसे अपने आप को क्रिएटिव करना. अब इसके अंदर क्या क्या लिखना है, आपने नीचे क्या क्या आएगा, एक तो नेम सामने वाले पर्सन का, देन इसके सामने होगा एक टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स समझते हो क्या बोल रही हूँ? Yes, yes, वो डब्बा सा, yes, जिसमें हम टाइप कर सकते हैं, वो वाला टेक्स्ट बॉक्स होता है. ठीक है, देन उसके बाद सामने वाले पर्सन का फोन नंबर, फोन या मोबाइल नंबर, अगेन इसके सामने होगा टेक्स्ट बॉक्स. देन आएगा जेंडर, इसके आगे क्या होगा जी, रेडियो बटन. यस, रेडियो बटन दो आएंगे, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए. ठीक है, उसके बाद एक आएगा सिटी वाला, इसके आगे ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स बोल सकते हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू बोल सकते हो. ठीक है, या ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोल सकते हो. दैट्स ऑल फॉर वन थिंग, कुछ भी बोल दो, तीनों एक ही चीज होती है. होता क्या है ये पता है किसी को? मतलब पता होना चाहिए वैसे तो सभी को, क्या होता है जी? यस मैम. होता क्या है वो, कोई आइडिया, मतलब समझाएगा बाकियों को? मैम वहां पर मैम सिंपल से एक बॉक्स बना होता है और बॉक्स के सबसे लास्ट में पॉइंट पे हम एक छोटा बटन होता है, एक बटन टाइप का होता है, हम उसमें क्लिक करते हैं तो वहां पर सभी सिटीज जो होती हैं वो शो हो जाती हैं लाइन वाइज, अल्फाबेटिक भी होती हैं और वैसे भी होती हैं सिंपल नॉर्मल. एग्जैक्टली, जैसे आप लोग अपना रिजल्ट देखते हो तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, आप अपना सेमेस्टर सिलेक्ट करते हो, वो लिस्ट में से टाइप नहीं करते, जस्ट सिलेक्ट करते हो. ऐसे ही आप कॉलेज का नाम सिलेक्ट करते हो, टाइप नहीं करते, सिलेक्ट करते हो, दिए होते हैं. ऐसे ही आपको सिटीज के मैक्सिमम 5 सिटीज के नाम देने हैं, उसके ज्यादा नहीं देने. ठीक है, तो 5 सिटीज के नाम देने हैं. 5 सिटीज के नाम, लास्ट ऑप्शन होगा अदर का, अदर पे कुछ नहीं करवाना, सामने से बस अदर लिख देना है, बस दैट्स ऑल. ओके मैम, तो उसके लिए अलग से बॉक्स नहीं बनेगा? नहीं 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 नहीं, हमने दोबारा पूछा ही नहीं, अदर है तो रहे, हमें कोई लेना देना नहीं. ओके ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं ना करना, नॉर्मल सा बना रहे हैं. ओके ओके मैम. देन ईमेल आईडी, इसके आगे क्या लगेगा जी? इनपुट टाइप ईमेल. मैम टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स ही अगेन हो जाएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो जाएगा. ठीक है, देन हमारा रह गया चेक बॉक्स. उसके लिए आप क्या कर सकते हो जी, आइडियाज? मैम टूर्नामेंट कौन सा कराना हमें?
हाँ अगर टूर्नामेंट है तो टूर्नामेंट की डिटेल्स पूछ लेनी है कि कौन से टूर्नामेंट में आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है? इंटरेस्टेड इन टूर्नामेंट। मैम फिर एडमिशन फॉर्म कौन से फील्ड में एडमिशन करना चाहिए? अगर टूर्नामेंट वाला कर रहे हो तो इंटरेस्टेड इन, देन उसके आगे चेक बॉक्सेस लगा देने हैं जो भी है आपके, ठीक है? अगर आप स्कूल कॉलेज वाला कर रहे हो एडमिशन के लिए, देन आप इसकी जगह पे इंटरेस्टेड इन स्ट्रीम, तो स्ट्रीम के आगे उसके अगेन चेकबॉक्स ही लगेंगे। सारे तीनों चीजें नहीं लगानी किसी ने, ऐसा ना हो कि आप दोनों ही लगा दो, कोई एक इनमें से करना है, ठीक है? ओके मैम। अगर कोई और आइडिया है तो आप जो भी होगा उस जिस चीज की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो उसका इंटरेस्टेड इन वाला फील्ड देके चेकबॉक्स लगाने। डन। देन लास्ट में होगा बटन। बटन कौन से वाला? एक तो होगा सबमिट वाला, ठीक है? और सबमिट के सामने होगा कैंसल वाला, और कैंसल वाला जो बटन होगा ये रीसेट की तरह वर्क करना चाहिए। रीसेट समझते हो क्या कहना चाह रही हूँ? खाली कर दे, जो भी ऊपर वाली एंट्रीज थी उनको खाली कर दे, डेड जोन, ठीक है? मैम कैंसल बटन के साथ? हाँ कैंसल बटन, नाम कैंसल लिखना है, उसका काम उसकी रीसेट वाली होनी चाहिए। बेसिकली लगेगा क्या, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, देन नेम इज इक्वल टू कैंसल, देन अगेन जो भी उसकी जो भी आपने करनी है डायमेंशन सेट या जो भी उसकी उसके ऊपर आपने स्टाइल्स वगैरह ऐड करने, वो आपकी मर्जी। इनपुट टाइप रीसेट लगेगी, उसके बाद उसका नेम टाइटल चेंज कर सकते हो कैंसल के साथ, ठीक है? कैंसल नहीं लगाना, रीसेट ही लिखना है तो रीसेट ही लिख लेना, कोई बात नहीं। ओके कंपल्शन नहीं है, काम वो होना चाहिए बस। अच्छा मैम ये PHP में क्रिएट करना है कि HTML? ये HTML में ही अभी क्रिएट हो रहा है, अभी PHP यूज ही नहीं किया हमने। PHP का काम अभी बताने जा रही हूँ क्या करना है, इसी में करना है सारा कुछ, ठीक है? अब PHP का काम क्या है, जब कोई पर्सन सबमिट पे क्लिक करे, ध्यान से समझ लेना, सबमिट पे क्लिक किया किसी ने तो उसकी हेल्प से ये सारी डिटेल्स हमारे कहाँ पे जानी चाहिए? डेटाबेस में, MySQL डेटाबेस में, ठीक है? ये सारी डिटेल्स जो हैं वो MySQL के डेटाबेस में भेज देनी है, ठीक? अब इसके लिए आपको MySQL यूज करना पड़ेगा, साथ में ये वाला काम जो एरो वाला काम है ये सारा काम PHP यूज करेगी, और आपके साथ में HTML और CSS तो ऐड करोगे क्योंकि आपको बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ लगाना होगा, ऐसा बड़ी गंदा सा पेज बना के दे दोगे? प्रॉपर लगना चाहिए पेज, है ठीक है? वेबसाइट वाली लुक देनी है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है, ठीक है जी? अच्छा मैम ऐसा हो सकता है, मतलब जैसे हम किसी स्कूल का बना रहे हैं सपोज फॉर्म, ठीक है? उसके बैकग्राउंड पे उसकी लोगो लग जाए, लगाओ उसका लोगो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, लग सकता है मैम? क्योंकि मैंने ना एक बार ट्राई किया था HTML में इमेज का, मैम वो इमेज शो ही नहीं कर रहा था। आपने उसकी लोकेशन नहीं पूरी डाली होगी इमेज की, या फिर आपकी इमेज कई बार नहीं आपकी एक ब्राउजर पे चलती दूसरे ब्राउजर पे रन करके देखना चलेगी। HTML में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अगर आप मोजिला पे चला रहे हो तो अलग लुक एंड फील देगा, अगर आप क्रोम पे चला रहे हो तो डिफरेंट दिखेगा, अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चला रहे हो तो डिफरेंट दिखेगा, ओपेरा में डिफरेंट दिखेगा। कई बार होता है कि इमेजेस हमारी एक ब्राउजर में लोड हो रही होती है, दूसरे में होती नहीं है लोड, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। आप उसे डिफरेंट ब्राउज़र्स में रन करके देख सकते हो, हमें सिर्फ आउटपुट चाहिए। ओके ठीक है। ओके अब एक चीज और इसमें ऐड कर दें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करें, इतना समझ आ गया सभी को? जस्ट एक लेवल आगे जाना है इससे, इतना समझ आ गया? यस मैम। ओके अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। यस मैम। टेक्स्ट जो ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसके साथ हमें लगानी है जावास्क्रिप्ट फॉर वैलिडेशन।
मैम एक बार थोड़ा रिपीट कर दोगे क्योंकि वो कॉल आ गई थी किसी की। कोई बात नहीं, मैं ये बोल रही थी जो ईमेल वाला आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा उस पे आपको लगानी है जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट मतलब कौन सी वाली बोल रही हूँ, जिसमें आपका स्क्रिप्ट नाम का एक टैग यूज होता है जिसकी हेल्प से आप वैलिडेट कर सकते हो कि ईमेल आईडी ठीक भरी है सामने वाले ने, फॉर्मेट उसका गलत तो नहीं कर दिया उसने, @ है .com मतलब डॉट के बाद कुछ लिखा है, डॉट के पहले और @ के बीच में कुछ लिखा है, @ से पहले कुछ लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, अगर इसका आपको कोड चाहिए होगा तो आपको वेबसाइट्स पे ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप देख लेना एक बार, अगर नहीं मिले तो बता देना, वैसे आपको मिल जाएगा क्योंकि ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे भी है वर्ड और हमारे w3schools.com वाली वेबसाइट है वहां पे भी है इनका कोड और बिल्कुल ठीक चल रहा है वो कोड। ठीक है, HTML पे नॉर्मल आप नेट पे सर्च करना ईमेल आईडी वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट तो आपको उसका कोड मिल जाएगा, वो आपको जस्ट इस पे अप्लाई करना है और समझना है उस कोड को कि क्या कर रहा है। ठीक है, ओके मैम, थोड़ा सा बस एक ही वैलिडेशन करवा रही हूँ, अगर आपका मन करे किसी का कि चलो थोड़ा सा और कर देते हैं कम्प्लेक्स समझ आ गया है प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, तो वो इस मोबाइल वाले पे भी जावास्क्रिप्ट लगा सकता है मोबाइल नंबर पे। क्या हो सकती है इसकी जावास्क्रिप्ट कि मोबाइल नंबर मैक्सिमम 10 digits का होना चाहिए, 10 digits कंपलसरी होने चाहिए। ठीक है, yes, या फिर कंट्री कोड जगह पे आप, हाँ एग्जैक्टली, इस जगह पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि मोबाइल नंबर 0 या फिर 91 से स्टार्ट होना चाहिए प्लस इसके साथ 10 digits होने चाहिए जो हमारे फोन के होंगे, ये 0 और 91 हमारा कंट्री कोड है एंड 10 digits हमारा फोन नंबर है, तो ये सारा होना चाहिए, आप इस पे लगा सकते हो अगर किसी का मन करे तो। मेरे तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है बट अगर कोई लगा सकता है तो वेल एंड गुड। मैम ट्राई करूंगी, हाँ जी कशिश क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रही थी मैं ट्राई करूंगी लगाने की कोशिश होगी। ओके 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 ओके, ठीक है, सभी को समझ आ गया क्या करना है? यस मैम, यस मैम। डिफिकल्ट लग रहा है? नो मैम, थोड़ा बहुत लिटिल बिट, थोड़ा सा। मैडम एक चीज बताने दे, एक मेरे को सीएसएस नहीं आते, सीएसएस नहीं आती। ओके तो मैं देख लूंगी, चलो मैं ट्राई कर लूंगी कि आपको करवा दूं। ठीक है, वैसे अगर बाय चांस ऐसे नहीं कि मुझे मतलब को थोड़ा रिकमेंड कर दो कोई वीडियो वगैरह। हाँ मैं वही बताने जा रही थी कि मैं ट्राई करूंगी कि एक बार आपको ओवरव्यू दे दूं उसके, अगर ना बाय चांस दे पाई तो एटलीस्ट आपको वीडियो जरूर आ जाएगी कल तक मैक्सिमम उसकी, कोई ना कोई जिसमें समझाया होगा फिर कर लूंगा। हाँ समझ के कर लूंगा। हाँ ठीक है, अगर वीडियो ना मिल पाई तो अगर मुझे कोई टेक्स्ट मटेरियल अच्छा मिला या फिर जहाँ पे प्रैक्टिकल को अच्छे से बताया हुआ है तो मैं वो सेंड कर दूंगी, आपको रेफरेंस मिल जाएगी उसकी। ठीक है, मतलब जहाँ से आपको समझ आ जाए ना वो चीज आपको प्रोवाइड कर दूंगी। डन, ओके डन। एनीवन एल्स, कोई और किसी को अगर कोई है दिक्कत तो बता सकते हो, कोई बात नहीं। आप एक डेटाबेस बनाओगे, फिर टेबल बनाओगे, टेबल में एंट्रीज भी तो डालनी है उसके लिए। ठीक है, अब एक और चीज जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको सारा कोड लिखना है। कोड में क्या करना है, आपने पहले सारा ये वाला कोड लिख दिया, उसके बाद जो पीएचपी का कोड होगा वो तो लिखना ही लिखना है, प्लस साथ में आपको MySQL के क्या स्टेप्स आपने यूज किए डेटाबेस बनाने के लिए वो लिखने पड़ेंगे आपको। थोड़ा सा लेंथी जाएगा आपका प्रैक्टिकल, कोई बात नहीं, दो छुट्टियां भी हैं, आप नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे तक कर सकते हो। मैम एक दो नहीं, दो है यार, सैटरडे संडे दो। मैम सैटरडे को सेशन होता है गूगल क्लाउड। नहीं, हर सैटरडे नहीं होगा,
अच्छा हर सैटरडे डेली सैटरडे नहीं होता, सेकंड सैटरडे को आपका इंडस्ट्रियल वीक होता है। ओके 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 तो हर सैटरडे नहीं होगा, फिर दो है। हाँ फिर दो है, फिर दो है, फिर दो है। यस फिर उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा देख लेना, बाकी इतना तो है नहीं कि ये थोड़ा इसमें एल्गोस आपको नहीं यूज करवा रही मैं कोई भी, ठीक है? तो आराम से कर सकते हो, आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है? जब डा पढ़ के थक जाओ, बेसिकली जब एडीए पढ़ के थक जाओ तो ये काम कर लेना, ऐसा कर लेना, ठीक है? ओके मैम, चलो ठीक है। इसमें अब किसी को कोई और डाउट है तो बता दो, नहीं तो हम आगे चले। नो मैम, नो डाउट। ओके, जो आपने एक इसका एम लिखा है ना, उसमें MySQL के बाद एंड जावास्क्रिप्ट भी लिख दो, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट भी इसमें यूज कर ली ना, तो वो भी साथ में लिख दो, ठीक है? अब हमारा प्रैक्टिकल का एम बन गया, प्रैक्टिस ऑन HTML, CSS, जावा, PHP एंड MySQL एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है? ये पांच चीजों का प्रैक्टिस होगी हमारी। अब हमारा सेकंड प्रैक्टिकल का भी एम नोट कर लो, आराम से करने हैं, कोई मुझे जल्दी नहीं है आपसे प्रैक्टिकल मंगवाने की, बस आपको बता रही हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया है, ताकि इन केस आपको बाद में ना हो कि मैम ने इकट्ठे ही लिखवा दिए सारे प्रैक्टिकल्स। आराम से करते रहना, एंड में एक बार चेक करेंगे हम, ठीक है? साथ साथ जब टाइम मिले करते रहना, जिसको टाइम जब मिले कर लेना, बस कर लेना, छोड़ना मत। ओके, अब लिखो फर्स्ट सॉरी सेकंड प्रैक्टिकल हमारा, इंस्टॉल वर्डप्रेस, सॉरी ऐसे नहीं लिखना, अच्छे से लिखना, इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस अलोंग विद, इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस अलोंग विद XAMPP कंट्रोल पैनल अवेलेबल ऑन PC या अवेलेबल ऑन सिस्टम। मैम XAMPP कंट्रोल के आगे क्या? पैनल, PANEL पैनल अवेलेबल ऑन सिस्टम या फिर PC। ठीक है जी, ओके मैम। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो वर्डप्रेस का प्रैक्टिकल वाला था ना, तो आपने उस दिन लिखवाया था, मैंने पहले ही लिखा हुआ है। ओके, तो फिर ऐसा कर लेना, सभी अभी सभी ने फर्स्ट वाला तो लिखा नहीं है, फर्स्ट बना लो इंस्टॉलेशन वाला वर्डप्रेस को, सेकंड बना लो ये वाला जो मैंने आपको अभी बताया सारा, ऐसा कर लो। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है अब सभी ध्यान से नोट कर लो, अब हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है जी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन। फर्स्ट ये, सेकंड ये, ठीक है? एंड प्रैक्टिकल टू जो है हमारा, वो है हमारा प्रैक्टिस वाला जो आपको लिखवाया, HTML एटसेट्रा जो भी था हमारा, ठीक है जी? ओके मैम, किसी को कोई डाउट अब? नो मैम। मुस्कान आपने भी शायद लिख लिया था ना फर्स्ट सेकंड वाला, वो वाला वर्डप्रेस वाला, मुस्कान मैम आपने भी लिख लिया था शायद, आपका शायद मैसेज आया था। मैम मैंने गलत लिख लिया था, ब्लॉग वाला लिख दिया था। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, वो वाला हमारा थर्ड होगा अभी। ओके मैम। ओके, अब लिखो थर्ड प्रैक्टिकल का एम। कई तो दिल में ना गालियां निकाल रहे होंगे कि मैं इतना काम दही जा रहे हैं, दही जा रहे हैं। निकालो निकालो, कोई बात नहीं। नो मैम, ऐसी बात नहीं है। ओके, लिखो लिखो मैम, काम है, कभी ना कभी तो करना ही है। हाँ, तभी मैंने पहले बता दिया। चलो लिखो लिखो, अब लिखो थर्ड प्रैक्टिकल हमारा, क्रिएटिंग
blogs, creating blogs and publishing them. Creating blogs and publishing them using कौन सा, मैंने आपको कौन सी वेबसाइट बताई थी उसकी याद है किसी को? मतलब कौन सी वेबसाइट के मैंने आपको लिंक जो भेजा था, वो डाटा भेजा था, कौन सी वेबसाइट का था? एनीवन रिमेंबर? मैम एक बार मैं चेक करती हूँ शायद मेरे फोन में. ओके चेक कर लो एक बार. जो भी वो थी ना हमारी वेबसाइट, वही है लिखनी यहाँ पे. मैं भी चेक कर लेती हूँ, जस्ट वेट. मैं blog.com थी, www.blogsomething था .com. Exactly क्या थी, वही लिखनी है ना, तभी बता पूछ रही हूँ. मैम blogspot.com. हाँ बस वही लिख लो उसका. हाँ it was www.blogger.com बेटा. जो steps मैंने आपको group में भेजे थे वो blogger के हैं. Okay मैम. लिख देती हूँ मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल 3 जो है हमारा, वो है हमारा ब्लॉग्स बनाने यूजिंग www.blogger.com. मॉम वो गूगल वाली जो है, गूगल वाली क्या बेटा? मैम blogger.com गूगल वाली नहीं है. हाँ गूगल वाली जिसमें जीमेल अकाउंट आपको पहले वो करना पड़ता है. यस मैम वही वाली आपको ग्रुप में भेजी हुई है मैंने इसके स्टेप्स. ठीक है, अगर इमेजेस भी वही लगानी है तो उसे प्रिंट निकाल के लगा लेना. इसकी इमेजेस लगानी पड़ेगी आपको, इस वाले की, थर्ड वाले की और फर्स्ट वाले की भी इमेजेस सभी की लगेगी ऑलमोस्ट वैसे तो. मैम blogger.com मतलब पता नहीं लगा, ये वेबसाइट का नाम है इसकी. इस वेबसाइट मतलब जो आपको एम लिखवाया है उसमें यूजिंग के बाद मैंने कहा था रुक जाओ देख के बताती हूँ कौन सी वेबसाइट है, तो यूजिंग के बाद ये चीज लिख दो. ये इसके आपको मैंने आई थिंक सो 30th of March को भेजे थे, ये सारे 4 स्क्रीनशॉट्स थे ग्रुप में. yes, ma'am. ठीक है तो वो देख लेना, वही वाले करने हैं. एज इट इज स्टेप्स आपको गिवन है, फर्स्ट के भी स्टेप्स आपको गिवन है, सारे लिखवा दिए थे. आपके पास वीडियो है, वीडियो में से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो वहां से ले लो, इंटरनेट से लेना चाहते हो तो इंटरनेट से ले लो, खुद परफॉर्म करना है तो खुद परफॉर्म करके ले लो. ठीक है, देन ऐसे ही ब्लॉग्स वाले के भी सेम, अगर आपने खुद परफॉर्म करके लेने हैं स्क्रीनशॉट तो वैसे ले लो, अगर आपने वही वाले डाउनलोड करके प्रिंट निकालने हैं तो ले सकते हो क्योंकि वहां पे काफी वो भी गिवन है कि कैसे कैसे स्टेप्स वगैरह. अगर क्लियर नहीं आ रही इमेजेस तो बता देना, तो मैं उन इमेजेस को डायरेक्टली भी आपको कर दूंगी सेंड. मैम करना क्या है, पता नहीं लगा कुछ. प्रैक्टिकल लिखना है, प्रैक्टिकल का एम है हमारा क्रिएटिंग ब्लॉग्स यूजिंग दिस वेबसाइट. ठीक है, नहीं मैम ब्लॉग वहां पे ब्लॉग क्रिएट करके उसका स्टेप जो होगा वो लिखना है. हाँ ब्लॉग क्रिएट करके उसके स्टेप लिखने हैं. अगर किसी के पास बाय चांस ब्लॉग क्रिएट करने का टाइम ही नहीं है, बड़े बिजी हो, तो उस केस में आप वो स्टेप्स जो गिवन है वो एज इट इज लिख के उसके प्रिंट आउट्स वही वाले निकलवा के लगा सकते हैं. ओके मैम. ओके मैम. और कोई डाउट किसी को? नो मैम. इतना काम काफी है या अगला भी बता दूं? मैम आपकी मर्जी, बाकी बता दो. अच्छा रेज हैंड करो जो कह रहे हैं कि बस करो अभी, नेक्स्ट टाइम करेंगे. रेज योर हैंड्स. हाँ कोई बात नहीं, करो कोई चक्कर नहीं. मैंने कौन सा गोली मार देनी? मैं मेरा दोनों है. okay. दे भी दो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दो तो भी कोई दिक्कत. ठीक है.
मान लिए 6 स्टूडेंट्स, 7 करो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, बस 7 स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले वो तो सारे कह रहे हैं बस करो, चलो ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम दे देंगे, इतना कर लो अभी आराम से, कोई कंपल्शन नहीं है कब तक करना है, कोई टाइम लिमिट आपको नहीं बताई, बट इस केस में ऐसा ना हो कि मैंने आपको अगर टाइम लिमिट नहीं दी तो आपने काम छोड़ ही दिया करना, ऐसा ना हो, कर लेना है ठीक है, छोड़ना नहीं है। हाँ टाइम लिमिट नहीं दे रही तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना, ठीक है? ओके मैम। मामी प्रैक्टिस वाले का रेफरेंस वीडियो भेज देना। प्रैक्टिस वाले की ओके ठीक है मैं भेज दूंगी इसकी। बाकी तो हेलो मैम। हाँ जी मैम, जो हमारा क्रिएट ब्लॉग्स मैम उसमें मैम हमको स्टेप्स ही लिखने हैं सिर्फ, कैसे हमने अकाउंट क्रिएट किया, कैसे पब्लिश किया, कैसे वही वही जो मैंने उसको आपको जो पेजेस भेजे थे ना वही वाले लिखने हैं बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है मैम। एनीथिंग एल्स? नथिंग? नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके अब ये बता दो पहले आगे पढ़ने का मूड है तो मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ लेक्चर को, हम रिपीटिंग रीस्टार्ट करके, अगर थक गए हो yes, तो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। जो इंटरेस्टेड हैं वो हैंड रेस कर लो, हम वोटिंग कर रहे हैं, वोटिंग के बेस पे हम करेंगे। ओके सेवन हैंड रेसेस आर देयर ओनली आउट ऑफ 28, चलो फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना काम कर लेना और असाइनमेंट्स जिन्होंने नहीं सेंड की सेंड कर देना, हाथ जोड़ के बेनती है ठीक है। कोई रह गया जिसने अटेंडेंस नहीं बोली हो अटेंडेंस बता दो, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू। 574 मैं 575 574 and 75 ओके एनीवन लगा दी अटेंडेंस, लगा दी बेटा 75 की, जिन्होंने भेज दी अटेंडेंस जिनको कोई डाउट नहीं है दे कैन लीव द मीटिंग, नहीं तो मीटिंग 2 मिनट बाद अपने आप एंड हो जानी है फिर भी जाना पड़ेगा। मैम हां जी मैम, मेरा HT doc फाइल में शॉर्टकट मिल रहा है, उसका शॉर्टकट बना रखा है वो मिल रहा है, बट जो दूसरा फाइल है वो मिल नहीं रहा है, मैम कैसे फाइंड करूं? फाइल का नेम पता है? मैम HT doc जो फाइल है फोल्डर, हाँ जी फोल्डर, उसकी क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है बताना दोबारा। मैम मिल नहीं रहा वो किधर है? HT doc फोल्डर ही नहीं मिल रहा? नहीं मैम, उसका शॉर्टकट मिल रहा है बट जो दूसरा उसका मेन है जिसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई है XAMPP के अंदर होगा, XAMPP सी डिस्क में जाके XAMPP में जाओ उसके अंदर HT docs होगा, ये वहां पे भी नहीं है? नहीं है मैम वहां पे भी। फिर ऐसा करना माई कंप्यूटर ओपन करके ना, जब हमें ये वाली स्क्रीन आ रही होती है रुको दिखाती हूँ, जहां पे आपको ये स्क्रीन आ रही होगी उसके वहां पे यहाँ पे जाके सर्च कर देना HT docs। मैम उसका शॉर्टकट मिल रहा है, उसके अंदर XAMPP के फाइल्स हैं सारे फोल्डर्स एंड शॉर्टकट सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा वो, अगर यहाँ पे जाके सर्च करोगे तो। मैम HT doc पे आप क्लिक करिए तो इस पे कर दिया अब। हाँ जी अब क्या करूं, खोलूं इसे? हाँ जी। ओहो न्यू विंडो खोल दिया मैंने, इसी में खोल लेती हूँ। हाँ जी अब मैं यही फाइल नहीं आ रहा है जो इसके अंदर जो पड़े हुए फाइल, ये सारा कुछ नहीं दिख रहा? नहीं मैम। ओके एक सेकेंड, ओके 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 मैं ये आपकी एक डाउट ना ये मैं बाद में देख लेती हूँ ठीक है।
वैसे आई थिंक सो आएगा, एक बार आप ट्राई करना है ई वाला पार्ट जो आपको बोला है एचपी डॉक्स यहाँ पे सर्च करने वाला, अगर फिर भी आपको पूरा नहीं दिखता ये वाला देन आई थिंक इट विल बी सम प्रॉब्लम, तो उसका सलूशन मैं देख दूंगी, अगर ऐसा नहीं आएगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं फाइंड आउट कर दूंगी उसे, ऐसे होता okay. नहीं है वैसे, कोई बात नहीं हम देख लेंगे ठीक है, हाँ ट्राई कर लेंगे, ठीक है ओके okay.